Hello everyone, welcome to Crown Biology classes. This is Rohit Chaudhary and in today's lecture we are going to study the topic named class Cyclostomata. We are going to study the topic named class Cyclostomata under part 12 of Animal Kingdom series. So let's start class Cyclostomata in detail. Class Cyclostomata. Before discussing the important features or the characteristics of class Cyclostomata, we should know why the class is named as Cyclostomata. Why it is named as Cyclostomata. So this word or the term Cyclostomata, it is derived from the two words of the Greek language. The first one is Cyclos. Cyclos. Cyclos means circle. Cyclos means circle and stoma means mouth. And stoma means mouth. The members found in this class do possess circular sucking mouth. What does they possess? Circular sucking mouth. That's why the members of this class are named as cyclostomes. And they belong to the group named as Agnatha. और एग्नेथा में वो मेंबर्स आते हैं जो कि अभी तक लिविंग फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स मींस दे आर फाउंड अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द अदर फिशेस. सो दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट एज वेल एज दे सक ब्लड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द अदर फिशेस. जैसे कि बोनी फिश की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं ये. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. इलोंगेटेड बॉडी प्रेजेंट होगी और बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. यू शुड नो द नंबर. हाउ मेनी? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स विल बी प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन. The next important feature of cyclostomes is cyclostomes have a sucking and circular mouth that is present without jaws. कोई jaws present नहीं होंगे, circular sucking mouth present होगा. जैसे कि हमने cyclostomata term का meaning देखा था क्या होता है. Circular sucking mouth होता है ना, तो इनका ये बहुत unique और distinguishing characteristic है. The next feature is their body is devoid of scales. Scales present नहीं है, fins भी present नहीं है, कोई भी paired fins भी present नहीं है, but unpaired fins are present. This is important. This is important. The members of class Cyclostomata, they do have unpaired fins. The next important feature is cranium, that is the brain box and vertebral column are cartilaginous. कार्टिलेजिनस होंगे, कार्टिलेज के बने होंगे क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम. और जो सर्कुलेशन है वो क्या है? क्लोज्ड टाइप. क्लोज टाइप का मतलब होता है ब्लड वेसल्स विल बी प्रेजेंट एंड द ब्लड फ्लोस थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड द ऑर्गन्स और द टिश्यूज आर नॉट डायरेक्टली बैथड इन द ब्लड. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन. मैरीन का मतलब है दे आर प्रेजेंट इधर इन ओशन और सी, बट ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए. स्पॉनिंग का मतलब होता है टू ले एग्स. अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं, ठीक है. फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये अंडे देंगे और उसके कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने नई जनरेशन को पैदा कर दिया है. क्योंकि जो अंडे होंगे उससे नई जनरेशन निकलेगी. और इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, जैसे कि पहले ये मैरीन वाटर में प्रेजेंट है, अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाएंगे. उसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यूज करी जाती है जिसको कि कहा जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन. क्या कहा जाता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन. और एनाड्रोमस माइग्रेशन इज सीन इन पेट्रोमाइजोन. यू शुड नो द एग्जाम्पल एज वेल बिकॉज जनरली एग्जाम्पल्स आर आस्क्ड. ऑलराइट, सो एनाड्रोमस माइग्रेशन की एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन. और इनके लार्वे मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में चले जाएंगे. अब जो लार्वे हैं वो ट्रैवल करके जाएंगे, ठीक है,
मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जो लार्वे हैं वो ट्रैवल करके ओशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये ओशन में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं ये। अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कैसे एनाड्रोमस माइग्रेशन होती है। एनाड्रोमस माइग्रेशन इज वेरी ब्यूटिफुली शोन थ्रू दिस फ्लो चार्ट, सो लेट्स लर्न दिस। मैरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, हैबिटेट क्या है? मैरीन वाटर। ऑलराइट, सपोज करो मैरीन वाटर में एडल्ट पेट्रोमाइजोन या जिसको कि लैम्प्रे भी बोला जाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करेंगे कहां पे? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जाएंगे, एग्स ले करेंगे, ठीक है। ब्रीडिंग के बाद क्या होगा? ब्रीडिंग के बाद स्पॉनिंग होगी एग की। एग की स्पॉनिंग होगी, अंडे दिए जाएंगे, उसके बाद हैचिंग होगी, एग्स में से लार्वे निकलेंगे, ठीक है। और जो लार्वा है, पेट्रोमाइजोन का लार्वा है, उसको क्या बोला जाता है? एमोसिट लार्वा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस इन योर माइंड दैट द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज नोन एज एमोसिट लार्वा। दिस एमोसिट लार्वा आफ्टर अंडरगोइंग मेटामोर्फोसिस इट चेंजेस इनटू एन अडल्ट। ऑलराइट, और वो अडल्ट कौन होगा? पेट्रोमाइजोन। अडल्ट फिर से किस में जाएगा? मैरीन वाटर में। सो यू शुड नो द सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दे विल माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। द फर्स्ट सीक्वेंस शुड बी फ्रेश वाटर, ऑलराइट, एंड देन मैरीन वाटर, बिकॉज देयर फाइनल डेस्टिनेशन इज मैरीन वाटर। ये हम डायग्राम देख लेते हैं पेट्रोमाइजोन की, जिसको कि कॉमनली क्या बोला जाता है? लैम्प्रे। यह है एक जोलेस वर्टिब्रेट है, जोज प्रेजेंट नहीं है। ओके, सर्कुलर सकिंग माउथ प्रेजेंट है, ये सर्कुलर सकिंग माउथ होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हेड प्रेजेंट है, दीज आर द गिल स्लिट्स प्रेजेंट एंड सेवन पेयर्स आर शोन हियर। दिस इज द ट्रंक, दिस इज फर्स्ट डोर्सल फिन। अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। दिस इज द सेकेंड डोर्सल फिन। एज यू कैन सी बोथ ऑफ दीज आर अनपेयर्ड। दिस इज द टेल एंड एट लास्ट दिस इज द कॉडल फिन। सो दिस इज द डायग्राम डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। Examples are Petromyzon, commonly known as lamprey, and Myxene, commonly known as hagfish. अब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि ये किसकी पिक्चर है, ये किसकी है? ये है पेट्रोमाइजोन, दिस इज पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को कॉमनली क्या बोला जाता है? लैम्प्रे। ऑल राइट, दिस इज पेट्रोमाइजोन एंड दिस इज मिक्सिन, दैट इज हैगफिश। मिक्सिन को क्या बोला जाता है कॉमनली? हैगफिश। दिस इज मिक्सिन। सो दीज आर द टू मोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास साइक्लोस्ट्रोमेटा। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। एक तो इसके अंदर सर्कुलर सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है। वेट, सर्कुलर सकिंग, सर्कुलर सकिंग माउथ और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट यू नो। हार्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो क्लोज टाइप है, और हार्ट क्या होगा? टू चैम्बर्ड होगा, टू चैम्बर्ड। और इंपॉर्टेंट फीचर है मिक्सिंग, जिसको कि कॉमनली हैगफिश बोला जाता है। उसकी स्किन ऐसे है जैसे कि कोई ओल्ड लेडी के लिप्स होते हैं, ठीक है, वैसी स्किन है हैगफिश की। ये एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास साइक्लोस्ट्रोमेटा। Ending this video on a very positive note, there is a saying from Bhagavad Gita which says, "No one who does good work will ever come to a bad end, either here or in the world to come." I repeat, no one who does good work will ever come to a bad end, either here or in the world to come.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।